थोड़ा। इसमें मैंने अभी ऑयल बिल्कुल भी नहीं डाला है। इसकी डिमांड कम से कम 5 से 7 किलो की डिमांड मेरी डेली की है, लेकिन ये मिलती जब ही है कि एक बकरा कटेगा तो एक ओजड़ी मिलती है। दूसरी ओजड़ी जब मिलेगी, जब दूसरा बकरा बिक जाएगा, टाइम भी बर्बाद होने हुए और देसी की स्टाइल में ही बना लो पूरे गांव में। सही बात, यहाँ पर खेता में बैठ बना लिया, प्रोग्राम कर रहे हैं, चांदी है तो सब एक साथ कच्चो उच्चो सब एक साथ डालो। सही बात, हमारी माँ बनाया करती है, भैया मैं बनाऊँ तो खुद चला के कहते हैं यार कस्टमर कि भैया यार वो आप वाला खुद का मसाला वो जरूर डालना है इसमें। तो भैया हर हफ्ते के हफ्ते मैं बनाता हूँ इसको और खुद ही कूट के लाता हूँ। इसके बाद धनिया एक बार और डलेगा। अच्छा, जब मैं आपको प्लेट के अंदर लगाऊंगा क्योंकि धनिया का टेस्ट थोड़ा आना चाहिए। दोस्तों वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो अभी हम आ चुके हैं न्यू सांगानेर रोड पर देवी नगर में और पिलर नंबर 81-82 के बीच में है। तो यहाँ पर एक कार्ट है भैया की देसी मारवाड़ी मीट शॉप, बहुत ही शानदार मटन बनाते हैं, ओजड़ी बनाते हैं, बहुत लोग ओजड़ी जानते होंगे, बहुत लोग नहीं भी जानते होंगे, बनाजी बनाते हैं बहुत शानदार ओजड़ी और मटन और चिकन। इनका मटन बनवाते हैं, किस तरह से मटन बनाते हैं देखते हैं और उसको टेस्ट करते हैं इनके मटन को। तो चलिए दोस्तों बनाजी से बात की जाए। पहले तो सबसे पहले आपका नाम बताएं। मेरा सर नाम विजय सिंह नाथावत है। क्या क्या चीजें बनाते हो? मैं अभी बना रहा हूँ, यहाँ मटन बन रहा है मेरा, चिकन बनाता हूँ, फिर ओजड़ी, ये तीनों चीज बनाता हूँ सर। फिर ओजड़ी या कम से कम घंटे डेढ़ घंटे में मेरे पास में फिर ओजड़ी 4-5 किलो खत्म हो जाती है। खत्म हो जाती है? हाँ जी सर, इतनी डिमांड है, इतनी डिमांड है इसकी। ये वो भी फिर भी कम पड़ती है, कस्टमर को मना करना पड़ता है, निराश करना पड़ता है, बोले सर मेरे पास है नहीं, खत्म हो गई है। एक बार खाएगा मैं गारंटी और चैलेंज करता हूँ वापस जरूर आएगा। अरे वाह, तो आज क्या बना रहे हैं ये बताओ। आज अब मैं मटन बना रहा हूँ सर। शुरू करें? हाँ सर, आओ आ जाओ। ये छोटा सा सेटअप लगा रखा है, ये सरसों का तेल है, फ्लेवर सरसों का ढाणी से लिया हुआ है। ओके, मिर्ची मसाले सब मैं कूट पिसवा के लेके आता हूँ, खुद जाके रामगंज जाता हूँ। अच्छा, और एक साथ ही सब सारा मसाला लेके आता हूँ। ये देखो सर। हाँ जी, इसमें सारी चीजें हैं, जावती है, शाही जीरा है, सौंठ है, मोटी इलायची है, दालचीनी है, काली मिर्ची है। हाँ चलो, मैं सब एक साथ डालता हूँ इनको। ठीक है, प्योर सरसों का तेल लेके आता हूँ, कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया इस चीज से मैंने कि भाई आज अपन सोयाबीन का डाल दे या और किसी चीज का डाल दे, नहीं। जो सरों से डाल रहा हूँ मैं, ये चीज बना रहा हूँ 35 साल से। अच्छा, जोधपुर में मैं पढ़ाई करता था, जब भी मुझे शौक लगा था, जब मैं 10 साल का या 9 साल का था, जब से मुझे शौक था कि हाँ अपन ऐसी चीज बनाएंगे, एक दिन बनाएंगे। और हर बार जैसे घर में भी कोई छोटा मोटा प्रोग्राम होता था तो मैं ही बनाता था और सबको मेरा टेस्ट बहुत ही बढ़िया लगता था। घर में भी सबके भी सिस्टर भी कहती थी मुझे यार तू बना। सब है, मेरा शौक भी यही है कि कोई खाए खुश हो। कितना प्याज गया लगभग? ये 1.5 किलो के करीब है सर। तो जी मटन और चिकन और ओजड़ी तीनों चीज आप ही बनाते हो? सर मैं बनाता हूँ, किसी को हाथ भी नहीं लगाने देता हूँ। अरे वाह, कोई अगर छेड़ भी देता है तो मैं नाराज हो जाता हूँ, मैंने कहा नहीं छेड़ना नहीं है इसे, जैसे चल रहा है वैसा चलने दो। ये मटन है सर, धो के साफ कर रखा एकदम। हाँ, 2-3 बार मैंने धो दिया इसको, ये चौथा पानी है जिसको मैं भी साफ करूंगा। ये चर्बी है, सर्दी आ जाती है जो हल्का फुल्का चर्बी ऊपर से डालना पड़ता है। सही बात, उसमें टेस्ट अलग से आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, पानी निकाल देते हैं इसका। एक मिनट सर, ये चर्बी निकाल दूं पहले, ये चर्बी डाल रहा हूँ मैं इसमें, ये चर्बी भी तेल छोड़ देगी अभी। अच्छा, और इस तेल के अंदर प्याज के अंदर इसका अलग ही टेस्ट आ जाएगा। मतलब तजुर्बा पूरा है सर, 35 साल से मैं बना रहा हूँ इसको। बहुत ही बढ़िया है। ये चर्बी का पीस है, मैं टुकड़े करके डाल रहा हूँ क्योंकि बड़े डालने से मुंह में भी रहेगा तो अच्छा नहीं लगता। छोटे छोटे पीस घुल जाएंगे, अलग ही टेस्ट आएगा इसका। सही बात है। तो बकरा कितने किलो का यूज करते हो अंकल जी? 10 से 12 किलो सर। 10-12 किलो का? हाँ जी। बकरा आप ही लेके आते हो? बकरा मैं खुद लेके आता हूँ सर, मेरी आंखों के सामने कटवाता हूँ। अच्छा, और इस चीज का मैं चैलेंज करता हूँ, अगर कोई इसको बकरे का ना कहे और साबित कर दे, 5100 रुपए इनाम। अरे वाह,
सर इसी के साथ में ये सारा मसाला डालूंगा। अच्छा अभी मिर्ची वगैरह सब इसी के साथ में। ये कुटी हुई मिर्ची है? कुटी हुई है, मेरी खुद की पिसाई हुई लाई हुई है। अरे वाह, ये तरीका बढ़िया है। धनिया मिर्ची ये सब मैं खुद पिसवा के फिर लेके आता हूँ, रामगंज जाता हूँ। अच्छा अच्छा, मंगलवार को हमारा रेस्ट रहता है। मंगलवार को जाके सारा मसाला मसाला इकट्ठा करके फिर वहीं से पिसवा के। सही बात है। ये हल्दी है, सारा लमसम अंदाजा है आपको है। ये नमक डाल रहा हूँ ताकि उससे अच्छी तरह घुल जाएंगे प्याज भी। बिल्कुल, अभी इसमें पानी डालेंगे सर अपन। अच्छा, कम से कम 1 से 1.5 लीटर। मसाला फूल जाए इसलिए मसाला मीट के अंदर घुस जाएगा। अच्छा पूरा, ये इसीलिए पानी डाला जाता है। बल्कि अपन प्याज के अंदर भी फ्राई कर सकते हैं उसको, लेकिन ऐसा नहीं, अपन इसको थोड़ा सा हिलाएंगे। अब चलो ये सारा मसाला एक हो जाएगा, उसके बाद में इसको थोड़ा ढक देंगे ताकि ये प्याज वगैरह सब कूट जाए। इसी के अंदर इसी की ग्रेवी बननी चाहिए प्याज में। सही बात है। तो दोस्तों आपने ये बना जी का तरीका देखा, किस तरह से बना रहे हैं, ऐसा तरीका आपने देखा नहीं होगा। एकदम सादा सिंपल तरीके से बनाता हूँ, देसी की जैसे गाँव में बनाया बनवा गुनी की प्याज फ्राई कर लिया, अभी के बाद में मटन गेड़ दियो, फिर मटन 10-15 मिनट प्याज का माने चालवा दिया, नहीं झटपट काम है, झटपट काम फटाफट और जल्दी भी बनाए, टाइम भी बर्बाद गुनियों में, और देसी की स्टाइल में ही बना लो पूरे गाँव में। सही बात, यहाँ पर खेता में बैठ बना लिया, प्रोग्राम कर रहे हैं, चाल रही है, तो सब एक साथ कच्चो उच्चो सब एक साथ डालो। सही बात, हमारी माँ बनाया करती है, मैं बनाऊँ। अच्छा चलो, तो अब इसको ढकेंगे अपन 15 से 20 मिनट के लिए, उबाल आने देंगे। हाँ जी ठीक है जी, इसमें क्या है दिखाना थोड़ा। इसमें सर चिकन है। इसमें क्या है? इसमें तो चिकन है। अरे वाह, ये मैं बना के लाया हूँ वहाँ से। इसमें भी वही बड़े बड़े पीस है, ये नहीं कि 100 रुपए के 2 पीस है। अरे वाह यार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ये सब मैं खुद बनाता हूँ सर। बहुत बढ़िया, तो आप चिकन की डिमांड ज़्यादा है मटन की? मटन और फिर ओजड़ी। ओजड़ी की दिखाना, ओजड़ी और मटन बस। चिकन, चिकन तो थोड़ा बहुत रखना पड़ता है, कस्टमर आते हैं, ये ओजड़ी है। ओ भाई साहब, अभी आधी तैयार हुई है, चलाना इसको थोड़ा। इसमें मैंने अभी ऑयल बिल्कुल भी नहीं डाला है। अच्छा, ये ऑयल जो है ओजड़ी का ही है, इसी के साथ में चर्बी वगैरह जो होती है, ये वाइट वाइट जो नेश आपको नजर आ रहे हैं, ये चर्बी का होता है, चर्बी खुद तेल छोड़ती है। अभी इसमें कम से कम घंटा भर लगेगा, अभी टाइम है इसमें। हाँ इसमें घंटा भर लगेगा अभी, ये बिना ऑयल की बनी हुई है, बिना ऑयल की, बिना ऑयल, अभी कोई सरसों का तेल नहीं है इसमें। इसमें डालूंगा आपके सामने सरसों का तेल हल्का सा। बहुत बढ़िया, इसकी डिमांड कम से कम 5 से 7 किलो की डिमांड मेरी डेली की है, लेकिन ये मिलती जब ही है कि एक बकरा कटेगा तो एक ओजड़ी मिलती है। दूसरी ओजड़ी जब मिलेगी, जब दूसरा बकरा बिक जाएगा। बहुत बढ़िया, तो ये 3-4 जगह में जाके इसको इकट्ठा करके फिर लेके आता हूँ। सवेरे सवेरे 10 बजे मुझे भगना पड़ता है, क्योंकि इस चीज के लिए कोई नहीं रुकता है, कोई भी ले जाता है इसको, तुरंत ले जाता है, तुरंत ले जाते हैं। मैं बोल के रखता हूँ पहले फोन पे, मैं बच्चे को भेज रहा हूँ या मैं आ रहा हूँ, तो मेरे लिए रख लेना। तो दोस्तों अगर आपको इसकी भी मेकिंग देखनी है तो बताना यार, है ना, वीडियो शूट करेंगे इसका भी आपका, तो आपका दिखाएंगे लोगों को। ये लहसुन और अदरक का पेस्ट मैं डाल रहा हूँ इसमें। ये मतलब कुटा हुआ है ना, ये पैकेट वाला थोड़ी है? नहीं नहीं सर, कुटा हुआ है, मेरा खुद का कुटा हुआ है, लहसुन और अदरक दोनों खुद कूटता हूँ मैं, खुद ही कटवाता हूँ। ये मसाला है गरम मसाला, इसमें काली मिर्ची, जावती, इलायची, डोडा, लौंग सब कुछ है। अच्छा। ये मेरा खुद का हाथ से कूटा हुआ मसाला है, जो मैं मीट में यहाँ कस्टमर को देता हूँ फ्राई करके वापस गर्म करके, तो एक चूटी उसमें ऊपर से डाल देता हूँ, तो कस्टमर भी खुश हो जाता है, अपना दिल भी खुश हो जाता है, जब कस्टमर बोलता है भाई साहब वाह यार, और मुझे खुद चला के कहते हैं यार कस्टमर कि भैया यार वो आप वाला खुद का मसाला वो जरूर डालना है इसमें, तो मैं ये हर हफ्ते के हफ्ते में बनाता हूँ इसको और खुद ही कूट के लाता हूँ। बहुत बढ़िया यार, बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है इसका। हाँ सर बिल्कुल,
अच्छा हल्का सा 10-20% रहा है जो थोड़ा सा पानी अपन इसमें डालेंगे ग्रेवी के लिए, उसके अंदर ये सेट हो जाएगा। सेट हो जाएगा। हाँ जी। तो पानी डाल दो। अभी इसमें पानी डालेंगे सर। अपन ये सारा पानी मैं घर से भर के लाता हूँ सब। अच्छा हो चुका है इसको, ये देखिए आप, बहुत खूब। ये नली है, कमर का फीस है, रेडी है ना? हाँ सर। ऑर्डर आता है तो गर्म करके देते हैं। हाँ जी, वापस जो अब जैसे बन चुका है, अब कोई भी कस्टमर आ गया और उसने मेरे से मटन मांग भी लिए, 2 पीस मांगो चाहे 4 पीस मांगो, मैं फ्राई वेल के अंदर इसको गर्म करके और मैं अपने इस पे गर्म करता हूँ गैस के ऊपर, फिर अपना कूटा हुआ मसाला डालता हूँ हाथ का। चलो, जो आपको मैं अभी दिखाऊंगा सर। फीस क्या खाएंगे सर? देखो आपके साथ देख लो। ये कमर का फीस है, ये चाप है सर, ये नली का पीस, तो भाइयों हमारी प्लेट लग रही है। बनाजी ने जैसा कि बताया कि ये गरम करके देते हैं एक बार, जिससे क्या है तो ग्रेवी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाती है ना। हाँ जी सर, गाढ़ी हो जाएगी, टेस्ट में भी फर्क आएगा, टेस्ट में भी फर्क आ जाता है। चलिए, तो ये हालांकि मटन अभी बन के रेडी हुआ है तुरंत ही, और ये इनका ये मेरा मसाला है स्पेशल जो मैं कूट के अपने हाथों से डालता हूँ। बिल्कुल। ये आ गया धनिया, इसके बाद धनिया एक बार और डलेगा। अच्छा, जब मैं आपको प्लेट के अंदर लगाऊंगा, क्योंकि धनिया का टेस्ट थोड़ा आना चाहिए। यो अभी हम आए हुए हैं न्यू सांगानेर रोड पर, देसी मारवाड़ी मीट शॉप पर, बनाजी के पास। और बनाजी ने बहुत ही देसी स्टाइल में मटन बना के दिखाया, पूरी मेकिंग आपने देखी भाई किस तरह से बनाया बनाजी ने। और ये देखो फाइनली जो प्लेट बन के रेडी हुई है वो ये है भाई, बहुत ही शानदार रंगत लग रही है, जो जैसा अपन घर पर बनाते हैं ना वैसा हिसाब लग रहा है ना, मज़ा आएगा। और साथ में देखो ये अनलिमिटेड सलाद देते हैं, बनाजी का कहना यह है कि मेरे से कोई मांगता है मैं मना नहीं करता हूँ, सलाद में अनलिमिटेड देता हूँ। ये देखो भाई साहब, ये है हाफ पोर्शन है जिसमें 4 पीस आते हैं, और 4 पीस मैं दिखा देता हूँ। देखो ये एक नली का पीस हो गया, ये चाप आ गया एक, और थोड़ा सा टाइम हो गया है तो हल्का फुल्का ठंडा भी हो गया है, तो फटाफट से अपन ट्राई कर लेते हैं, भूख भी लग रही है ना, तो आ जाओ इधर। ये गर्मा गर्म रोटी है, ये लेते हैं एक पीस नली का। ये देखो भाई, ओए होए 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 होए, किस कदर मटन गल चुका है ये देख लो भाई आप, है ना, धुआं दिख रहा होगा आपको। ये देखो बहुत ही शानदार, लेते हैं एक बाइट। ये देखो भाई साहब, भाई एकदम देसी चटकारा आ रहा है, जैसा कहते हैं ना एकदम चटपटा रजवाड़ी मीट, तो वो वाली चीज है भाई। कुटी हुई मिर्ची डालने की वजह से जो स्पाइसीनेस बनी है ना भाई, अलग ही दे दिए भाई माहौल। ये देखो साइज, देखो मटन का आप, और ये ग्रेवी में डिप करते हैं। ये देखो भाई, थोड़ा सा सलाद रखेंगे, प्याज का लच्छा है, मस्ट बाइट। बिल्कुल देसी हिसाब है, बहुत लोग प्रेफर करते हैं देसी खाना, है ना। ये वाली चीज आपको बड़े बड़े रेस्टोरेंट में नहीं मिलेगी, बट यहाँ स्ट्रीट फूड पे मिलेगी। ये देखो
थोड़ा सा क्या है, बनाते टाइम ग्रेवी ज़्यादा डाल के चलते हैं, क्योंकि ये दोबारा पैन में गर्म करके देते हैं, और पैन में जब गर्म करते हैं ना तो ग्रेवी अपने आप थोड़ी सी थिक हो जाती है, और हल्का सा उसके ऊपर कटोरी में डालने के बाद हल्का सा ऊपर से रोगन डालते हैं, ऊपर सा उनका जो गर्म मसाला होता है वो डालते हैं, उसके बाद जो कटोरी बन के आती है ना भाई, जो प्लेट बन के आती है वो होता है माहौल भाई। एक पीस और लेते हैं बढ़िया सा, मेरा कैमरा मैन भी देख रहा है आज, इसको भी भूख लग रही है, ये देखो भाई, ओए होए 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 होए, क्या बेहतरीन मटन बना है बना जी, मज़ा आ गया यार, शानदार। मटन की प्लेट 150 से स्टार्ट है, चिकन और ओजड़ी 100-100 रुपये की है। जो भी चीज़ आपको पसंद है आप ट्राई कर सकते हो, और भी बहुत सारे प्लेसेस हैं, स्ट्रीट फूड भी है, हमने भी बहुत सारे प्लेसेस कवर किए हैं, हर जगह मटन चिकन मिलता है। बनाजी को भी सपोर्ट करें, बनाजी को भी यार बहुत मेहनत करते हैं, आपने पूरी वीडियो देखी किस तरह से बनाते हैं, किस तरह से काम कर रहे हैं, बनाजी खुद पूरी कार्ट वहाँ से लेके आते हैं अपने रूम से और यहाँ पर लेके आते हैं ना, तो ये चीज़ बहुत ही मायने रखती है, क्योंकि अकेला आदमी लगा रहता है ना। मैं आपको रिकमेंड करूँगा यहाँ पे आएँ, इनका मटन ट्राई करें, और अगर आप ओजड़ी की वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें। फिलहाल मैं इस मटन को करता हूँ एंजॉय, और आपसे मिलता हूँ किसी और जगह, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों का शेयर कर दें, मिलते हैं जल्दी, थैंक यू सो मच गाइस।